देखिए, आज हम अपने देखने वालों को एक नई तकनीक बता रहे हैं और इस तकनीक से समय बचता है फसल के उत्पादन में। और इस तकनीक का नाम है रिले क्रॉपिंग सिस्टम। तो जी, हम देख रहे हैं कि हमारा जो एक फसल लगी है, जैसे यहाँ पर मिर्च लगी है, टमाटर लगे, उसके बीच में हमने ये मक्के का बीज जे गपा दिया। जी हो गया, ये मक्के का बीज है, इसको भी अपन ने यहाँ पर कर दिया। इसके आगे भी है, ये अपन ने लगा दिया, ए भी है इधर, ये ए। इस तरीके से जो हमारा मक्का है, ए लग गया है ना। इस तरीके ये हमारा सिस्टम कहलाता है रिले क्रॉपिंग सिस्टम। इसमें हमारा समय बचता है और जब तक ये हमारी पहले की फसल है जो हार्वेस्ट हो जाएगी, उसके बाद हमारी ये फसल बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे समय को बचाने के लिए ये टेक्निक है और इसका उपयोग है जो कई क्षेत्रों में करते हैं हमारे किसान भाई। मैं डॉक्टर BP सूत्रकार, सहायक संचालक कृषि छतरपुर। ये देखिए, यहाँ प्याज के बीच में हमने ये मक्के के बीज डाल दिए हैं, जिनको यहीं पर सोइंग कर रहे हैं। इस तरीके से जब तक हमारी प्याज निकल जाएगी, उसके बाद हमारे मक्के के भुट्टे आएंगे हैं। देखने वाले, चाहने वाले इसको ज़रूर अपनाएं। धन्यवाद।